और मेरी ऑल इंडिया रैंक थी 4500। कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम हिंदी मीडियम से हो या तुमने 2 से 3 ड्रॉप ले रखे हैं। तो बस मेरे को वहीं से हो गया कि यार मेरे को डॉक्टर बनना है। और यार उस टाइम मैंने एनसीईआरटी का पहली बार नाम सुना था, तो मेरे ऐसे 720 में से कभी 100 नंबर आते थे, कभी 150 नंबर आते थे। तो देखो मैं बताता हूँ कि मैं तीनों सब्जेक्ट्स को कैसे पढ़ता था। मेरे कंटिन्यू 3 क्वेश्चन गलत हो गए और मैंने मेरे पापा को बोला कि पापा मेरा सिलेक्शन हो गया, तो पापा बहुत खुश हो गए। हेलो एवरीवन, माय सेल्फ नितिन चौधरी एंड आई एम करंटली ए सेकंड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट इन एम्स देवगढ़। और मेरे नीट 2022 में 650 मार्क्स थे और मेरी ऑल इंडिया रैंक थी 4500। और इस वीडियो में मेरे नीट से एमबीबीएस तक पहुंचने के स्ट्रगल की कहानी है। हो सकता है ये आपके लिए एक मोटिवेशन की तरह काम करे, क्योंकि हो सकता है आप भी मेरी तरह एक हिंदी मीडियम स्टूडेंट हो और आप भी आज अपनी नीट की तैयारी में उन सभी मुश्किलों से गुजर रहे होंगे जो मैंने अपनी नीट की तैयारी के टाइम में फेस की थी, और आप भी वही गलतियां कर रहे होंगे जो मैंने की थी। तो यार देखो, एम्स तक पहुंचने की कहानी कुछ ऐसे ही स्टार्ट होती है। एक एवरेज स्टूडेंट की तरह मैंने भी अपने 10th तक की पढ़ाई गांव के एक स्कूल में की, और 2018 में मैंने आरबीएसई बोर्ड से 10th का एग्जाम दिया और उसमें मेरे 80% बने। तो यार देखो, एक बार क्या हुआ था कि मैं जब 8th क्लास में था, तो एक बार मेरा ऐसे ही एक हॉस्पिटल में जाना हुआ था। तो वहाँ डॉक्टर वगैरह की रेस्पेक्ट को देख के, उनके व्हाइट कोट को देख के, और जो मरीजों से डॉक्टरों को दवाई मिलती थी उन सबको देख के मैंने भी सोचा कि यार कहीं ना कहीं मैं भी डॉक्टर बनने जाऊं। तो बस मेरे को वहीं से हो गया कि यार मेरे को डॉक्टर बनना है। बट यार रियली मेरे को उस टाइम कुछ पता नहीं था कि यार डॉक्टर बनने के लिए कैसे क्या करना पड़ता है। और जैसे तैसे करके 10th गांव से पास की थी और 11th क्लास में मैं बायोलॉजी लेके गांव से ही बाहर स्कूल वगैरह में जाने लगा। बट यार देखो, जब मेरी 10th कंप्लीट हुई थी तो मेरे गांव में एक भैया रहते थे, मुकेश जी लुणायत, उनका यूपीएससी में सिलेक्शन हुआ था आईपीएस पद पे। तो अब यार उनको देख के मेरे को भी थोड़ा सा मोटिवेशन है और मैं भी सोचने लगा कि यार मेरे को भी आईपीएस आईएएस बनना है। तो उसी के चलते मैंने आर्ट्स ले ली और 1-2 महीने आर्ट्स की क्लासेज भी जाने लगा। बट यार एक बार ऐसे ही मेरे को रियलाइज हुआ कि यार मैं कहीं ना कहीं मेरे बचपन के सपने से बहुत दूर जा रहा हूँ, जो मैंने सोचा था कि यार मेरे को डॉक्टर बनना है। तो बस यही सोच के मैंने वापस से बायोलॉजी ले ली और घर से रोज साइकिल लेके पास के ही कोचिंग में जाने लगा अपने डॉक्टर बनने के सपने को पूरा करने के लिए। बट यार कोचिंग में जाने के बाद मेरे को मेरा सपना थोड़ा और कठिन लगने लगा, क्योंकि यार जब मैं वहाँ पे बच्चों को देखता था तो किसी के 10th बोर्ड में 90% थे और किसी के 95 और मेरे 80% थे। तो मेरे को थोड़ा डर लगता था कि यार कहीं ना कहीं मेरा सपना कहीं पूरा ना हो। बट ये सोच लिया था कि जो होगा देखा जाएगा, बस अपनी ईमानदारी से मेहनत करते हैं। और यार उस टाइम मेरे को कोई ये गाइड करने वाला भी नहीं था कि बोर्ड की परसेंटेज मैटर नहीं करते हैं। और जैसे तैसे करके कोचिंग के थोड़े बहुत दिन बीते तो मुझे वहीं से पता लगा कि डॉक्टर बनने के लिए नीट का एक एग्जाम क्रैक करना होता है। और यार उस टाइम क्या था, एम्स का एग्जाम अलग से होता था, तो यार टीचर वगैरह को यही बोलते सुना था कि यदि आपको एम्स में सिलेक्शन लेना है तो ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। और यार वहीं कोचिंग में मेरे दोस्त वगैरह ने बताया कि यदि तेरे को नीट में सिलेक्शन लेना है तो एनसीईआरटी पढ़नी पड़ेगी। और यार उस टाइम मैंने एनसीईआरटी का पहली बार नाम सुना था। और यार 11th लास्ट तक मैंने ना कोई एनसीईआरटी पढ़ी, ना कभी क्वेश्चन प्रैक्टिस की, ना कभी अच्छे से मॉक टेस्ट दिया, और कभी मॉक टेस्ट देता भी था तो उनका एनालिसिस नहीं करता था। तो 11th लास्ट तक मेरे ऐसे 720 में से कभी 100 नंबर आते थे, कभी 150 नंबर आते थे। तो यार 11th तो मेरा इतना अच्छा नहीं गया था, और 12th के लिए भी मैं वापस उसी कोचिंग में जाने लगा और वही सब गलतियां करने लगा। बट यार एक दिन मैंने न्यूज़पेपर में गुरु कृपा, जो कि सीकर में, उसके स्कॉलरशिप टेस्ट के बारे में पढ़ा और पापा से बात की और वो स्कॉलरशिप टेस्ट दे दिया। और हुआ क्या, उस स्कॉलरशिप टेस्ट में मेरी अच्छी रैंक भी आई और मेरे को 50% स्कॉलरशिप मिल रही थी। तो बस मेरे डॉक्टर बनने की जंग की शुरुआत यहीं से स्टार्ट हुई। और मैं पापा से रोज यही जिद करने लगा कि पापा मेरे को सीकर जाना है। तो पापा ने अपने दोस्त वगैरह से बात करके मेरे को सीकर भेज दिया। तो सीकर मैं पीजी में रहने लगा। तो देखो यार, पढ़ने का टाइम तो बहुत मिलता था लेकिन मेरा अब पढ़ने का मन नहीं करता था, क्योंकि मैं पहली बार घर से बाहर निकला था तो वहां मेरा मन नहीं लगता था। अब जब घर पे था तो पापा से ये जिद करता था कि पापा मेरे को सीकर छोड़ गया हो, और जब सीकर चला गया तो पापा से वापस ये जिद करने लगा कि पापा मेरे को वापस घर आना है। बट यार मेरे को पापा ने अच्छे से समझाया, क्योंकि पापा तो जानते थे कि यदि ये घर रहेगा तो उसी मौज मस्ती में लगे रहेगा और अपनी पढ़ाई पे फोकस नहीं कर पाएगा। तो पापा ने मेरे पास मेरे बुआ जी के लड़के को भेज दिया और वो 1-2 महीने मेरे पास ही रहा, तो मेरा थोड़ा बहुत मन लग गया था। और यार 12th में जाने के बाद मेरे को ये पता लगा था कि मैं नीट का एग्जाम डायरेक्ट 2022 में ही दे पाऊंगा, क्योंकि मेरी डेट ऑफ बर्थ 2005 थी। तो इसी के चक्कर में मैंने 12th लास्ट तक भी एनसीईआरटी पे अच्छे से फोकस नहीं किया था, और ना ही फिजिक्स वगैरह में क्वेश्चन प्रैक्टिस करता था, और मॉक टेस्ट दे भी देता था तो उसका एनालिसिस फिर से अच्छे से नहीं करता था। बट 12th लास्ट तक मेरा स्कोर 11th की तुलना में थोड़ा बहुत इंप्रूव हुआ था और मेरे 720 में से 350 के लगभग मार्क्स आने लगे थे। तो सीकर में मैं 12th की बोर्ड एग्जाम देके घर आ गया और 12th बोर्ड में मेरे 82% बने। और जैसे ही मैं घर आया था तो उसके बाद कोविड ही स्टार्ट हो गया, तो वापस कोचिंग तो जा नहीं पाया, तो ऑनलाइन कोचिंग लेने लगा। और वापस से वही घर की मौज मस्ती में चिल रहता था, क्योंकि मेरे को तो ये क्लियर था कि मेरे को नीट 2022 का पेपर देना है, तो मैं पढ़ाई को इतना सीरियस नहीं ले रहा था। और उसी के चलते मेरी क्लासेज पेंडिंग रह जाती थी, और कभी क्लास लेता भी था तो 2x स्पीड पे लेता था,
तो उसी के चलते ना कभी नोट्स बनाए और कभी मॉक टेस्ट देता था, तो साथ में मैं एनसीईआरटी रखता था और उसी में देख देख के आंसर करता था और आंसर वगैरह को देख के मॉक टेस्ट देता था। तो मॉक टेस्ट में मेरा स्कोर 450 के लगभग जाने लगा और कभी कभी अच्छे से देख लेता था तो मेरा मॉक टेस्ट में स्कोर 500 भी चला जाता था। लेकिन यार वो मेरी ईमानदारी के मार्क्स तो थे नहीं, तो मैं उनको लेके इतना खुश नहीं रहता था। तो यार ऑनलाइन क्लासेज के चक्कर में मेरे पास फोन रहता था, तो कभी मैं गेम वगैरह खेल लेता था, कभी मूवी वगैरह देख लेता था, क्योंकि मेरे तो बिल्कुल ये हो रखा था कि मेरे को नीट 2022 का पेपर देना है। बट यार रियली जैसे नीट 2021 का पेपर खत्म हुआ तो उसके बाद मुझे रियलाइज हुआ कि यार मैं कर क्या रहा हूँ, क्योंकि अब तो मेरे को थोड़ी बहुत टेंशन होने लगी थी क्योंकि नीट 2022 के लिए अब 10 से 11 महीने बचे थे और उस टाइम तक कोविड भी चला गया था, तो कोचिंग वापस से ऑफलाइन स्टार्ट हुई और मैं वापस से सीख कर आ गया। और ये मैंने सोच लिया था कि अब मैं वो सब गलतियां नहीं करूंगा जो इतने दिनों से करता आ रहा था। तो मैं स्टार्टिंग से अपनी स्टडी को लेकर बिल्कुल सिंसियर रहने लगा, हर दिन क्लास जाता था और रोज जो टीचर पढ़ाता था उसको वापस उसी दिन आके पढ़ता था और क्लास में भी टीचर को अच्छे से सुनता था और टीचर के साथ साथ अब मैं भी अपने खुद के नोट्स तैयार करने लगा था। बट यार क्लास रूम में मैं हमेशा लास्ट बेंच पे बैठता था, बट यार उससे कोई फर्क भी नहीं पड़ता कि आप क्लास में कौन सी जगह पे बैठे हो, बस डिपेंड ये करता है कि आप अपने आप को कितना क्लास में कॉन्सेंट्रेट कर पा रहे हो। और यार मैंने ठान लिया था कि मेरे को सिलेक्शन लेना है, तो मैं एक भी मॉक टेस्ट को स्किप नहीं करता था। और जैसे ही मेरा मॉक टेस्ट हो जाता था तो मैं वापस हॉस्टल आ गया, जो मेरी सिली मिस्टेक्स होती थी या जो क्वेश्चन मेरे छूट जाते थे या जो क्वेश्चन मेरे गलत हो जाते थे उनको मैं हॉस्टल आके एक बार फिर से खुद से करता था। तो अच्छे से पेपर का एनालिसिस करने लगा था, हर पेपर के बाद उसका एनालिसिस तो पक्का करता था चाहे टाइम कितना भी लग जाए। और जो कॉन्सेप्ट मेरे को पेपर को सोल्व करके बनते थे मैं उनको नोट्स वगैरह में लिख लेता था ताकि नेक्स्ट टाइम ऐसी गलती दोबारा ना हो। तो यार इतनी सब चीजें कर ही रहा था तो मॉक टेस्ट में स्कोर भी अच्छा नहीं था, तो मेरे मॉक टेस्ट में कभी 670 नंबर आते थे, कभी 675 नंबर आते थे। और यार अब तो मेरी टॉप 10 में रैंक भी आने लगी थी तो मैं बहुत कॉन्फिडेंस फील करता था और लगता था कि यार इस बार सिलेक्शन हो जाएगा। तो देखो मैं बताता हूँ कि मैं तीनों सब्जेक्ट्स को कैसे पढ़ता था। बायोलॉजी के लिए मैं एनसीईआरटी की हर एक लाइन को अच्छे से पढ़ता था और जब कभी मॉक टेस्ट होता था तो टीचर वगैरह के नोट्स भी देख के चला जाता था, बट एनसीईआरटी को बहुत ही अच्छे से पढ़ता था। और बायोलॉजी में क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सोल्व कर लेता था, जो एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन थे उनको लगा लेता था। और फिजिक्स के लिए ये था कि स्टार्टिंग में मेरे से क्वेश्चन नहीं बन पाते थे, हो सकता है आपसे भी स्टार्टिंग में क्वेश्चन नहीं बन पा रहे होंगे, तो आपको डीमोटिवेट बिल्कुल नहीं होना है, धीरे धीरे आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते रहो अपने आप होने लगेंगे। तो मैं मेरी क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए रोज के 40-50 क्वेश्चन मेरे कोचिंग के मॉड्यूल में सोल्व करता था, मेरे से अच्छे अच्छे क्वेश्चन होने लगे जो कॉन्सेप्ट बेस आते थे। और इससे धीरे धीरे मेरा फिजिक्स में इंटरेस्ट भी बढ़ा और मेरा स्कोर भी इम्प्रूव होने लगा। और थोड़ी ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सोल्व कर लेता था और कोचिंग वगैरह के मॉड्यूल में एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन थे उनको सोल्व कर लेता था। और केमिस्ट्री के लिए जैसे फिजिकल में फिजिक्स की तरह क्वेश्चन प्रैक्टिस करता था, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक के लिए एनसीईआरटी पढ़ता था और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सोल्व करता था। तो यार ये सब चीजें करने के बाद मेरे मन में ये हो गया था कि यार मेरा सिलेक्शन इस बार हो जाएगा। और यार जब कभी मैं थोड़ा सा लो एनर्जेटिक फील करता था तो मेरे बड़े भैया से बात कर लेता था, मेरे दीदी वगैरह से बात कर लेता था और यार घर वालों के बारे में मैं सोचता था कि यार वो कितनी मेहनत करके कितनी फीस देके मेरे को कितने सालों से पढ़ा रहे हैं, तो यार मेरे को तो बस 10 से 11 महीने अच्छे से मेहनत करनी है और मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। और यार मेरे पापा बड़े पॉजिटिव है, तो जब भी मैं पापा से कॉल करता तो पापा ये कहने लगते कि हो जाएगा सिलेक्शन, तू टेंशन मत ले बस आराम से पढ़ता रहे। तो धीरे धीरे ऐसे करके वो टाइम आ गया था जिसका मुझे सालों से इंतजार था, यानी 17 जुलाई नीट 2022 का पेपर। तो मेरा एग्जाम का सेंटर जयपुर आया और मैं मेरे बुआ जी के लड़के के साथ सेंटर पे चला गया। और यार देखो मैंने पेपर की स्टार्टिंग बायोलॉजी से की क्योंकि मैं कोचिंग में भी हर बार बायोलॉजी पहले करता था, बट यार कोचिंग में बैठकर टेस्ट देने और एग्जामिनेशन हॉल में बैठकर टेस्ट देने में बहुत फर्क होता है। तो उसी प्रेशर के चलते स्टार्टिंग में बायोलॉजी में मैंने 7 क्वेश्चन पढ़े और उनमें से मेरे से एक ही क्वेश्चन हो पा रहा था। अब यार मेरे को ये डर लगने लगा था कि मेरा मॉक टेस्ट में स्कोर अच्छा था बट यार मेरे से बायोलॉजी के क्वेश्चन बन ही नहीं पा रहे थे। बट जैसे तैसे करके मैंने उस एनवायरनमेंट में खुद को एडजस्ट किया और अब मेरे से धीरे धीरे क्वेश्चन होने लगे थे, तो ऐसे करके मैंने बायोलॉजी के सारे क्वेश्चन कर दिए और मैंने बायोलॉजी के ओएमआर को भी फिल कर लिया। फिर मैंने केमिस्ट्री को अटेंड किया और उसके ओएमआर को भी फिल कर दिया एंड लास्ट में मैंने फिजिक्स को अटेंड किया और उसके ओएमआर को भी फिल कर दिया। अब यार जैसे ही मैं एग्जाम सेंटर से बाहर आया तो मेरी इंटरनल फीलिंग तो ये बोल रही थी कि सिलेक्शन हो जाएगा और मैंने मेरे भैया से भी यही कहा कि सिलेक्शन हो जाना चाहिए। और 17 जुलाई को मेरे चाचा और मामा जी भी जयपुर आए हुए थे, तो पेपर वगैरह खत्म करके 17 की नाइट को मैं मेरे चाचा और मामा जी के साथ मूवी थिएटर में मूवी देखने पहुंच गया। अब यार मूवी में मजा तो बहुत था लेकिन मैं उतना मजा ले नहीं पा रहा था क्योंकि मेरे को तो ये टेंशन हो रही थी कि मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। अब मूवी वगैरह देख के अगले दिन यानी 18 जुलाई को मैं घर के लिए रवाना हुआ और घर आते ही मैं और मेरी दीदी मेरा स्कोर चेक करने बैठ गए। और जब मैं और मेरी दीदी स्कोर चेक कर रहे थे तो मेरे पापा और दादाजी वहीं थे। तो स्कोर चेक करने की शुरुआत मैंने की बायोलॉजी से। अब बायोलॉजी का पेपर जैसे ही पूरा चेक हो गया तो मेरा बायोलॉजी में स्कोर बन रहा था 335, यानी मेरे 85 क्वेश्चन सही हो रहे थे। और अब जैसे ही मैंने केमिस्ट्री में कदम रखा मेरे कंटिन्यू 3 क्वेश्चन गलत हो गए और अब मेरी हार्ट बीट बहुत तेज हो गई थी और मेरे को लग रहा था कि शायद मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। पर जैसे तैसे करके मैंने केमिस्ट्री के मार्क्स ऐड किए और केमिस्ट्री में मेरे 7 क्वेश्चन गलत हो गए थे
जबकि उन 7 क्वेश्चन में मेरे को 5 क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे से आते थे, लेकिन पेपर में इसलिए मिस्टेक के कारण वो क्वेश्चन गलत हो गए। अब बारी थी उस सब्जेक्ट की जिसका मुझे सबसे ज्यादा डर था, यानी फिजिक्स। अब जैसे ही मैंने फिजिक्स में स्कोर चेक किया तो मैंने देखा कि मेरे सेक्शन ए में 35 में से 35 क्वेश्चन सही थे। अब मैं बिल्कुल खुश हो गया था क्योंकि मेरे को ये तो लग रहा था कि मेरा सिलेक्शन तो हो गया। अब जब मैं बाकी के 10 क्वेश्चन चेक करने गया तो उनमें से मेरे 2 क्वेश्चन गलत हो गए, जबकि उनमें से 1 क्वेश्चन तो मेरे नोट्स की बिल्कुल कॉपी था। पर वहां से मिस्टेक्स हो गई तो मेरे को पता नहीं चला, बट मैं खुश था क्योंकि मेरा स्कोर 655 बन रहा था। और मैंने मेरे पापा को बोला कि पापा मेरा सिलेक्शन हो गया, तो पापा बहुत खुश हो गए। फिर मैंने मेरे दादाजी को बताया कि दादाजी मेरा सिलेक्शन हो गया। और अब मैं दौड़ता हुआ मेरी मम्मी के पास गया और उनको बोला कि मम्मी मेरा सिलेक्शन हो गया। और धीरे धीरे कॉल करके सब घर वालों को बता दिया कि मेरा सिलेक्शन हो गया। और यार ये सब आप तब फील करोगे जिस दिन आपका सिलेक्शन होगा, तो उसके लिए आपको एक भी क्लास स्किप नहीं करनी है, हर मॉक टेस्ट को अच्छे से देना है, मॉक टेस्ट देने के बाद पेपर को अच्छे से एनालिसिस करना है, क्लास में टीचर की बातें अच्छे से ध्यान से सुननी है, खुद के नोट्स बनाने हैं और एनसीईआरटी पे अच्छे से फोकस करना है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, जो रोज पढ़ाया जाता है उसको उसी दिन आके पढ़ो। तो यार ये मेरी नीट की स्टोरी थी, हो सकता है आपको इससे मोटिवेशन मिला हो। तो यार जो भी आपके सपने हैं ना, उनको पूरा करने के लिए अपनी पूरी जान लगा दो। कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम हिंदी मीडियम से हो या तुमने 2 से 3 ड्रॉप ले रखे हैं, जिस दिन तुम अपना 100% दोगे ना, उस दिन आप वो बन जाओगे जो आपने सोच रखा है। तो अपने पूरे एफर्ट लगा के अच्छे से मेहनत करो, कहीं ऐसा ना हो कि लाइफ में आपको बाद में रिग्रेट हो कि काश यार उस दिन मैं थोड़ा सा एफर्ट और लगा लेता। और यार ये तो मैं लिख के दे सकता हूँ कि जिस दिन तुम्हारा सिलेक्शन होगा ना, वो तुम्हारी लाइफ का सबसे बेस्ट मोमेंट होगा। उस दिन देखना अपने मम्मी पापा के चेहरों पे खुशी होगी, और उस दिन देखना उन्हें पूरी रात नींद तक नहीं आएगी यही सोच के कि यार अब मेरे बच्चे का सिलेक्शन हो गया है। तो यार बस प्लीज अपनी पूरी ईमानदारी से अपना 100% देने जाना नीट 2025 के लिए। और यार यदि आपको कभी भी कोई भी डाउट हो या आप डिमोटिवेटेड फील कर रहे हो तो मेरे को कमेंट जरूर करना, हो सकता है मैं आपकी हेल्प कर पाऊँ। तो नीट 2025 के लिए आपको ऑल दी बेस्ट। और हाँ यार एक बात मैंने जो आपको बोली थी कि मेरा स्कोर 655 बन रहा था, तो यार जब एनटीए की फाइनल आंसर की आई थी तो एक क्वेश्चन बायोलॉजी का और गलत हो गया था और मेरा स्कोर 650 रह गया था। तो थैंक यू और आपको एक बार फिर से ऑल दी बेस्ट।